इस तरीके से 17 जुलाई को राजस्थान के तमाम विभागों के तमाम संविदा कर्मी हजारों की संख्या में अपनी मांगों और समस्याओं को राजस्थान सरकार तक पहुंचाने के लिए 22 गोदाम पर पहुंचे। संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने उसमें बड़ा ही घृण कृत्य किया है और लाठी के दम पर हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है और वहाँ से लाठी चार्ज कर कर हमारे हजारों संविदा कर्मियों को वहाँ से दौड़ा दौड़ा कर भगाया गया है और जिसमें तमाम संविदा कर्मी घायल हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने उसके विरोध प्रदर्शन में पूरे राजस्थान में पट्टियाँ बांध कर उसका विरोध प्रदर्शन किया है, तमाम जिलों में धरने प्रदर्शन करके विरोध प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिए हैं, इसी एवज में हमने कैंडल मार्च निकाल कर उसका विरोध किया है, बाबा खाटू श्याम जी के यहाँ जाकर वहाँ हमने अर्जी लगाई है और इसी के संदर्भ में आज हमने राजस्थान के यहाँ पर गांधीनगर के तमाम विधायक जो यहाँ से गुजर रहे हैं उन सबको हम हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, हमारी बात रख रहे हैं। जिस गांधी जी के सिद्धांत पर यह आंदोलन चल रहा था, आज हम तमाम विधायकों को मंत्रियों को ज्ञापन देने के बाद 2 घंटे हम यहाँ पर गांधी सर्किल पर गांधी जी के एक सानिध्य में यहाँ बैठे हुए हैं और हम तो यही कहना चाहेंगे कि गांधी जी जिस तरीके से, क्योंकि गांधी जी के आदर्शों पर ये आंदोलन चल रहा है और यहाँ बैठकर हम यही कहना चाहेंगे कि गांधी जी राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि दे और हजारों की तादाद में जो संविदा कर्मी राजस्थान सरकार की ओर टकटकी लगा कर बैठे हैं उनको उनका स्थायीकरण करे, नियमितीकरण करे। साथ ही मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, ये आंदोलन लाठी के दम पर रुकने वाला नहीं है। राजस्थान के तमाम संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी जयपुर में डटे हुए हैं, लगातार अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ पूरे प्रदेश के तमाम संविदा कर्मी अपने अपने स्तर पर इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर इस आंदोलन को और बढ़ा किया जाएगा, तेज किया जाएगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, विधानसभा स्थगित होने तक यदि संविदा कर्मियों का काम नहीं होता है, स्थायीकरण नहीं होता है, तो मैं राजस्थान के तमाम विधायकों को और मंत्रियों को कह देना चाहता हूं कि जब आप अपने क्षेत्रों में पहुंचोगे तो आपको राजस्थान के तमाम संविदा कर्मियों के आक्रोश से सामना करना पड़ेगा। आज राजस्थान सरकार ने जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हमारे संविदा कर्मियों पे किया उसके लिए आज गांधी जी को हमने, क्योंकि गांधी जी के सिद्धांतों पर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं गांधीवादी हूँ, तो मैं गांधी जी के सिद्धांतों पर हमने आज 2 घंटे मौन व्रत किया और तमाम मीडिया के माध्यम से तमाम ये विधायक मंत्री जो विधानसभा जा रहे हैं उनको हमने हमारी बात पहुंचाई और इस मौन व्रत का संदेश ये जा रहा है कि हमारे आगामी आंदोलन भी गांधीवादी सिद्धांतों पर रहेंगे और अब देखते हैं राजस्थान सरकार कह रहे हैं कैसे हमारे साथी को लाठी चार्ज करती है। गांधी जी से भी हमने कहा कि ज्ञापन देकर अर्जी लगाई, गांधी जी सरकार को सबूत दे और हमारे स्थायीकरण का जो वादा था उसको पूरा करें। राजस्थान की तमाम पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जिस प्रकार से 17 तारीख को जो संविदा मुक्ति मोर्चा के माध्यम से भाई नरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन हुआ है। हमें अपनी बात सरकार तक पहुँचानी थी, उसमें सफल रहे हैं क्योंकि ये सरकार गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि 1,10,000 को हमने परमानेंट कर दिया। साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस सरकार में ये आचार संहिता से पहले का जो समय बचा हुआ है निरंतर आंदोलन जारी रहेगा और जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं कर देती तब तक आप अपने ब्लॉक जिलों में तैयार रहें। जैसे जैसे संगठन आपको बताता है, संगठन जैसे जैसे आपको आदेशित करता है, जिस प्रकार से आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती है तो आप उसमें पूर्ण रूप से आहुति दें। हेमंत की ठड़ा दोस्तों, आज एक बात और बता देता हूँ, आपके 17 तारीख के आंदोलन के बदौलत ही राजस्थान के मुख्य शासन सचिव महोदय ने डॉक्टर उषा शर्मा के नेतृत्व अध्यक्षता में संविदा कर्मचारियों की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है और हम हर हाल में इस सरकार से अपना नियमितीकरण लेके रहेंगे। आप अपने जिला और ब्लॉक में सक्रिय रहें, जिस प्रकार से जैसे भी जो आंदोलन की रूपरेखा होगी वो आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।